नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी और मंडी भाव में। आज हम बात करेंगे बायर कंपनी के एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एलियट, और जानेंगे यह प्रोडक्ट किस चीज़ में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो यह प्रोडक्ट मुख्य रूप से जड़ गलन की जो समस्या आती है फसलों में, उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाने वाला प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि यह जड़ गलन में ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल आते हैं जो कि जड़ गलन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि कंडीशन ऐसी आती है कि उनसे जड़ गलन कंट्रोल नहीं होती है। तो आखिरी उपाय हमारे पास इस प्रोडक्ट का ही है एलियट, यानी कि यह एक रामबाण उपाय है जड़ गलन के मामले में। ओके, और अब बात करेंगे अपन कि इसमें ऐसा कौन सा टेक्निकल है और इसका उपयोग हम किस किस फसल में कर सकते हैं, इसकी मात्रा कितनी है, आपको सारी जानकारी हम बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो ये देखिए आप, बायर कंपनी का प्रोडक्ट किस नाम से आता है, एलियट नाम से आता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जो मुख्य रूप से इसका कार्य है जड़ गलन का। जी हाँ, जड़ गलन का इसका मुख्य रूप से कार्य है, और कुछ हद तक यह डाउनी मिल्ड्री को भी कंट्रोल करता है। जी हाँ, कुछ हद तक ही करता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, किंतु जड़ गलन पर इसका पूर्ण नियंत्रण है। जी हाँ, अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा टेक्निकल है। ओके, इसके टेक्निकल की बात करते हैं। आप ये देखिए आप फोसेटिल, ये देखिए आप फोसेटिल AL 80% WP, जो कि एक पाउडर फॉर्म में आता है, जो कि पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील है ये। ओके, जो कि एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, ये देखिए आप सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। ओके, अब बात करते हैं कि इसका उपयोग हम किस किस फसल में कर सकते हैं और इसकी मात्रा कितनी है। तो इसका उपयोग हम मुख्य रूप से मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, मूंगफली, आलू, प्याज, टमाटर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, गिलकी, तरोई, लौकी एंड लहसुन के अलावा आप इलायची में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए, मैंने इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मिर्च में, टमाटर में, बैंगन में, भिंडी में और लहसुन प्याज में मैंने इसका इस्तेमाल खुद कराया है, और मैंने देखा है रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। और अब बात करते हैं कि इसकी मात्रा कितनी लेनी है। देखिए आप, यदि आप स्प्रे करते हो, विशेष ध्यान से सुनिएगा, यदि आप स्प्रे करते हो तो 50 ग्राम, यदि पौधा छोटा है और कंडीशन आपको लगती है कि वेल है, ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप एक काम करिए, 35 ग्राम प्रति 15 लीटर टंकी से आप क्या करना है कि स्प्रे करो। तो आप नोजल आती है स्प्रे मशीन की, नोजल को ओपन करके आप जड़ों में अच्छी तरह स्प्रे करें, आपकी जड़ गलन पौधे की 3 से 4 दिन में आपको ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। और यदि जड़ गलन आपको लगता है कि ज़्यादा ही पौधों में ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है जाने की समस्या, तो आपको क्या करना है, 50 ग्राम प्रति 15 लीटर टंकी से आप जड़ों में दवा के स्प्रे करें, तो आप ऑटोमेटिकली 4 से 5 दिन में आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। और आपका आप इसका इस्तेमाल पानी में घोल बना के भी आप कर सकते हो। तो पानी में कितना घोल बनाना है, देखिए आप, प्रति बीघा यह जाता है 250 ग्राम। यदि आप पानी में घोल बना के पानी के साथ चलाते हो तो 250 ग्राम प्रति बीघा जाता है। ओके, 250 ग्राम प्रति बीघा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। यदि आप मात्रा कम रखोगे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ रिजल्ट में थोड़ी कमी ही दिखाई देगी, बराबर मात्रा लोगे तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत है, देखिए आप, 100 ग्राम की पैकिंग की कीमत, ये देखिए आप 100 ग्राम की पैकिंग की कीमत है 325 रुपये MRP मात्र है, ये देखिए आप 325 रुपये MRP मात्र है। और 250 ग्राम की पैकिंग की कीमत, ये देखिए आप 250 ग्राम और इसकी कीमत मात्र 650 रुपये मात्र है। और एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ, इसका मुख्य कार्य है जड़ गलन को रोकना। ओके, जड़ गलन की समस्या को ये पूर्ण रूप से रोक देगा, ये एक रामबाण उपाय है, और कुछ हद तक ये डाउनी मिल्ड्री को भी कंट्रोल करेगा। ओके, और ये आप कहोगे दूसरे कुछ फंगस को तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन और दूसरी
चीज़ों को ये कंट्रोल नहीं करेगा। ओके, मेन ये है जड़ गलन के लिए। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। ओके, और यदि आपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल पहले किया हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके रिजल्ट भी अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।